Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. कुदरत को ये क्या हो गया है और राजस्थान में कुदरत का ये कैसा कहर टूट रहा है, जहां कहीं जमीन धस रही, कहीं जमीन में दरार आ रही तो कहीं जमीन खुद ब खुद उबल रही है। जी हां, जिन्होंने बाड़मेर में जमीन धसते हुए देखा, जो लोग बाड़मेर में फट रही जमीन को देखकर खौफ में आ गए, वो जरा एक बार झुंझुनू की इस जमीन को देखिए और पश्चिम में बीकानेर और बाड़मेर के बाद शेखावटी में देखिए कुदरत के कहर का एक और नमूना। बीकानेर में जमीन धंसने के बाद झुंझुनू में जमीन को उबलते हुए देखा जा रहा है, जहां तेज गर्मी और लू के थपेड़ों ने लोगों की हालत खराब कर दी है, वहीं लगता है धरती का भी कुछ यही हाल हुआ है। तभी तो आलम यह है कि इंसान तो इंसान, जमीन भी उबल रही है। आपको बताएं कि ये वीडियो झुंझुनू के मंडावा इलाके का है, जहां पिछले कुछ दिनों से सड़क किनारे की मिट्टी उबल रही है। इस वीडियो में आपको साफ तौर पर उबलती हुई मिट्टी दिख सकती है और इसे देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में दिखता है एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल उबलते हुए बुलबुलों पर पैर रखता है, शायद उसे बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ की मिट्टी उसी तरह उबलती रहती है। अब इस अजीबोगरीब घटना से झुंझुनू में हर कोई हैरान है और खास तौर से बीकानेर में जमीन धंसने के बाद तो हर कोई यही सोच रहा है कि यहाँ भी वैसा ही कुछ ना हो जाए। फिलहाल उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी मिल चुकी है और जब तक कोई वैज्ञानिक जांच ना हो जाए, इस उबलती हुई जमीन के बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर कह पाना मुश्किल है। झुंझुनू से नैना शेखावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।